तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल की कलियां पीली हो के नहीं गिरे, देखिए कलियां कितनी अच्छी है, फूल भी ये खिलने लगी हैं, इसमें सब में ही कलियां अभी बनी हुई हैं। देखिए कलियां पीली हो के ना गिरे तो इसके लिए आपको इसमें पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ इसमें देना होगा। तो वो हमें किस चीज़ से मिलती है? वो हमें मिलती है केले के छिलकों से। केले के हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जिससे कि हमारे पौधों की कलियां भी नहीं सूखती हैं और पत्ते भी हरे भरे रहते हैं, मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है और पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप केले के छिलकों को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसकी सुखा के आप इस्तेमाल करें या फिर आप उसको जिसकी 3 दिन के लिए केले के छिलकों को काट के पानी में रख दीजिए। उसके बाद आप देखिए, ऐसे मैंने इसको काट के ना केले के छिलकों को पानी में रख दिया था 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद ये सारे इसके जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू थे इसमें अंदर जो भी था सब कुछ इसमें आ गया है पानी में। अब इस पानी को मैं ऐसे ये मैं छान दूंगी। बोलियो नहीं कुछ भी। देखिए ये मैंने छान लिया है इसको, ये इसमें सारा पानी आ गया। अब मैं इनको दे दूंगी पौधों की सभी जड़ों में, कंपोस्टिंग में। अभी आप कंपोस्टिंग आराम से बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनेगी क्योंकि गर्मी है ना, तो अभी आराम से सारी कंपोस्टिंग बना के रख लीजिए। इसको देने से पहले मिट्टी को थोड़ी सी आप गुड़ाई कर लीजिए ताकि ना मिट्टी ढीली हो जाए। उसके बाद ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो हमने दिया है ना अच्छे से दे दीजिए, ताकि अच्छे से पौधों की जड़ों में लग जाए। थोड़ी थोड़ी देनी है, ज़्यादा नहीं देनी होती है। बस ऐसे ही आप भी अपने घर की चीज़ों से ही अपने पौधों को हरा भरा रखिए। ज़्यादा बाहर से केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती पौधों को, क्योंकि उससे भी हमारे पौधे नुकसान होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।